सर मैं ना अब रिटायर होना चाहता हूँ, बट बैराग इज 32। आई नो सर, आई नो, पर अब ये जॉब मैं नहीं कर सकता। आई डोंट वॉन्ट टू किल एनी वन एनी मोर। पर क्या करोगे इसके बाद? कहां जाओगे? बैक टू योर कैरी फार्म्स? इस शहर और इसकी लाइफस्टाइल से कहीं दूर सर, बहुत दूर, युवांता पहाड़ों के पास बसे किसी शहर, वहां मैं अपना कैफे बनाऊंगा सर। कैफे कम बुक स्टोर, कैफे बैराग, फूड, बुक्स, म्यूजिक, पोएट्री, समझ रहे ना सर? मैं समझता हूं तुमने ये डिसीजन क्यों लिया है। जाओ, खुश रहो, पर जाने से पहले मेरा एक काम करो, वन लास्ट विश बताइए। देश की हालत बहुत नाजुक हो गई, कली कली दंगे, राइट्स, कर्फ्यू, लॉकडाउन, तो बहुत बड़ी चोरियां हुई। अगर आप द होली स्क्रिप्चर्स, द बुक्स ऑफ गीता एंड कुरान, द वेरी फर्स्ट कॉपी, द ओरिजिनल, द हैंड रिटन वंस, दे गॉन स्टोलन वन आफ्टर अनदर। मैं बोधी मॉनेस्ट्री जाना होगा बैराग, कुड बिकम अ टेररिस्ट हॉटस्पॉट। हम जाओ, निगरानी रखो, कुछ होता है तो हमें बताओ। और हम यहाँ दोनों किताबें ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि ये जंग खत्म हो सके। तुझे किसी को जान से तो नहीं मारना होगा ना सर? आई होप नॉट बैराग। ठीक है सर, जैसा आप कहें। बट देन आई रिटायर, एंड देन यू रिटायर। तो बकायदा पैसे मिलते हैं जनाब ये सब काम करने के लिए। ये बच्चे भूखे हैं बैराग भाई, और डरे हुए भी, और जिन्होंने ये जात धर्म की लड़ाई छेड़ी है उन्हें तो खाने पीने की कोई कमी नहीं। मॉर्टल बच्चों को शहर में नहीं छोड़ा जा सकता, इट्स टू रिस्की। वेलकम टू बोधी मॉनेस्ट्री सर। वाटुहा तुम घोड़े नहीं होते सर, माउंटेन पीपल राइड म्यूल्स। राइट, बाटू कौन था वो साइकिल पर? जीशो। कैसे हो बैराग भाई? कौन है ये जीशो? विनाश है सर, विनाश। तुम्हें मारने में इतना मजा आएगा ना कि मैं हर बरस इस जश्न की सालगिरह मनाऊंगा। The monastery will burn down to the ground tonight, Bairag. And you, with it. ये सब कब खत्म होगा बैराग? पता नहीं। और तुम्हारा कैफे? वो भी पता नहीं।